मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के जाट कॉलोनी स्थित विद्युत विभाग के सर्किल ऑफिस पर विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। इस बीच आज लखनऊ से ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विद्युत कर्मचारियों को शाम 6 बजे तक काम पर लौटने को कहा है, नहीं तो कर्मचारियों को गिरफ्तारी की चेतावनी दी है। जैसे ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा का यह बयान आया, हड़ताली आग बबूला हो गए और अपनी गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार है। जूनियर इंजीनियर संगठन के जिला अध्यक्ष बीबी गुप्ता ने कहा कि यदि गिरफ्तारी होगी तो यहां का एक एक आदमी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है और यह हड़ताल फिर अनिश्चितकालीन के लिए शुरू हो जाएगी, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। बीबी गुप्ता ने कहा कि जितना उत्पीड़न यह सरकार कर सकती है वह करे, हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। जूनियर इंजीनियर संगठन का जनपद अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये आपका धरना चल रहा था, क्या क्या मांगे थी और कब तक ये आपका धरना चलेगा? हमारा 14 तारीख से कार्यक्रम चल रहा है, 14 तारीख के शाम को हमारा मशाल जुलूस था, 15, 16, 2 तारीखों में हमारा कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम था, हड़ताल नहीं थी, कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम था और 16 तारीख की रात से हम लोग पूर्ण हड़ताल पर उतर गए थे। हर कर्मचारी, इंजीनियर, संविदा कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर जो भी है सब आ गए थे। आज तो धरना तुम्हारा समाप्त होने वाला था, फिर क्या बात है, समाप्त होने वाला था आज तो धरना? ये सब कार्यक्रम लखनऊ स्तर पे चलता है, वहाँ से जो निर्देश मिलेंगे हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के, वो निर्देश हम यहाँ नीचे फॉलो करते हैं। अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है कि वहाँ ये सब समाप्त हो गया, अनिश्चितकालीन नहीं है। अगर हमारे अभी हमारा ये 19 तारीख की रात 10 बजे तक है, 72 घंटे का था। अगर कहीं शासन में कोई बात नहीं बनती है और कहीं हमारा उत्पीड़न होता है, उत्पीड़न में जैसे हमारी गिरफ्तारी हो या कोई और इस तरह हो, तो ये फिर अनिश्चितकालीन में भी बदल सकता है। ऊर्जा मंत्री ने आदेश दिया है कि 6 बजे तक कर्मचारी काम पे लौटे, नहीं तो गिरफ्तारी होगी 6 बजे के बाद। अगर गिरफ्तारी शुरू होगी तो यहाँ का एक एक आदमी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, हर वर्ग का आदमी तैयार है गिरफ्तारी देने के लिए और ये हड़ताल फिर अनिश्चितकालीन के लिए शुरू हो जाए, फिर इसकी कोई लिमिट नहीं, निश्चित हो जाएगी हड़ताल, फिर हड़ताल अनिश्चित हो जाएगी। और हमारी एक चीज़ बता दें आपको, हमारी कोई मांग ही नहीं है। आज 3 दिसंबर 2022 को प्रबंधन के साथ, मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी IAS के साथ में हमारा समझौता हुआ है, जिसमें संगठनों का 15 संगठनों के पदाधिकारियों का के दस्तखत है, हमारे जो शासन के लोग हैं उनका दस्तखत है और उन्होंने 15 दिन का समय हमसे मांगा था कि 15 दिन के अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट कर दें। जब कोई समझौता हो गया तो मानना पड़ता है, वो उस समय होने वाली हड़ताल हमारी स्थगित होगी थी, लेकिन आज 3.5 महीने के लगभग हो गए हैं और आज तक उस पर कोई समझौता नहीं होगा, उल्टा उत्पीड़न शुरू हो गया, तो मजबूर होकर ये हड़ताल शासन ने हमारे ऊपर थोप दी। हमारा कोई मूड हड़ताल करने का नहीं है, ना हम हड़ताल के पक्ष में हैं, ना ही हम कोई बिजली व्यवधान के पक्ष में हैं किसी तरह का, हम कोई, क्योंकि ये तो उपक्रम ही हमारा है जिसको हमने अपने खून पसीने से सींचा है और इसको हम आगे भी ऐसे सींचते रहेंगे, इसको हम किसी को इस सिस्टम को खराब होने भी नहीं देंगे। हम गिरफ्तारी देंगे, एक एक कर्मचारी गिरफ्तारी देगा, जितना जितना उत्पीड़न ये सरकार कर सकती है वो करे। ये आपकी तरफ से गिरफ्तारी है या उनकी तरफ से है? ये उनकी तरफ से है, हमारी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से है, हमारी तरफ से कोई, हम तो शांतिपूर्ण अपना धरना यहाँ दिए बैठे हैं, अपना शांतिपूर्ण धरना यहाँ दिए बैठे हैं। कितने कर्मचारी है यहाँ जो हड़ताल में शामिल है? इस समय 800 कर्मचारी तो दरी पे मौजूद है, 800 कर्मचारी पर डे हमारा यहाँ दरी पे मौजूद है, हमारा हाजिर रजिस्टर आप देख सकते हैं, समझे, और बाकी तो जो फील्ड में है कुछ लोग वो भी हड़ताल पर। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।